हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकन्या और आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए राइस खीर। तो इसके लिए मैं मिल्क ले ली हूँ। आप गाय का दूध भी ले सकते हैं या फिर पैकेट मिल्क, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। तो मैं दूध को पहले बॉईल करती हूँ। हमारा दूध बॉइल हो चुका है और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून खीर वाली चावल ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये खीर वाली चावल है, इसको मैं अब इसमें डालूंगी। मैंने चावल डाल दिया है। अब मैं इसे बॉईल होने के लिए लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक छोड़ दूंगी ताकि चावल अच्छे से पक जाए। बीच में इसे चलाते भी रहना है फ्रेंड्स, 2-3 बार इसे चलाए ताकि हमारा दूध नीचे बैठे नहीं। तो चलाते रहना है। चावल को अच्छे से पकने दें, लो फ्लेम पर ढक करके पकाएं। हमारी खीर हो चुकी है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। चावल सीख चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट पाउडर। ये मैंने 1 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट पाउडर लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा इलायची। इलायची या पूरा साबुत या फिर आप पाउडर इलायची का भी यूज कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून शुगर मैं ऐड कर रही हूँ। ये हमारी खीर रेडी है सर्व करने के लिए। हमारी खीर रेडी है, राइस खीर, ये बच्चों के लिए मैंने बनाई है। इसको आप सर्व करिए, बच्चों को पसंद आएगी बहुत। ड्राई फ्रूट पाउडर मिक्स करने से इसका टेस्ट काफी इनहांस कर जाता है, तो आप ड्राई फ्रूट पाउडर जरूर डालें। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।